नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, 11 चरणों में मतदान होने हैं और इसको लेकर हर एक प्रत्याशी अपने साख मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बिहार में 8008 पंचायतों में यहां पर आपको बता सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, इसको लेकर पंचायती राज विभाग भी पैनी नजर रखे हुए हैं। ऐसे में लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के उप प्रमुख अजय कुमार से बातचीत की है डीटीवी भारत के संवाददाता सरफराज आलम ने, आप भी सुने। अभी मैं हूँ लखीसराय जिले का, ये हलसी प्रखंड है और हलसी प्रखंड का सबसे अहम गांव, सबसे महत्वपूर्ण गांव सिरखिंडी पश्चिमी का ये पंचायत है और उस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं अजय कुमार हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंचायत में 4300 मतदाता हैं, भिन्न भिन्न जाति के मतदाताओं की संख्या सब ज़्यादा है, लेकिन ये अजय कुमार जाति से जादव हैं और जादव जाति का मतदाता करीब 100 से 150 के बीच में है। उसके बावजूद भी ये पंचायत समिति सदस्य हैं और सबसे बड़ी मेरिट की बात है ये कि ये उप प्रमुख हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और राजद के ये प्रखंड के कद्दावर नेता भी हैं अजय कुमार जादव, और ये अपना नाम ऐसे अजय कुमार के नाम से जाने जाते हैं। इनसे मैं बात करने आया हूँ। सर, ये बताइए कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, आप भी दमखम के साथ चुनावी दंगल में उतर चुके हैं जी। आपने, जब मैं आ रहा था तो देखा कि आपके क्षेत्र में कार्य हुई है, विकास कार्य हुए हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको मतदाता क्यों वोट दे। सर, सबसे बड़ी बात है कि हम पंचायत समिति सदस्य भले ही 2016 में निर्वाचित हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी हमारा आज तक उम्र जो है लगभग 32 वर्ष हुआ है, लेकिन 32 वर्ष उम्र में हमने 16 साल के उम्र से यानी सन 2005 से लेके अब तक पंचायत में बहुत सक्रिय हैं और समाज के प्रति हमेशा लगनशीलता से काम करते आए और मेहनत करते रहते हैं। हमें सभी वर्ग का वोट हमें मिलता है और जब हमने 10 साल यानी 2005 से लेकर 2016 तक अपना जो पंचायत में समाज सेवी स्वयंसेवी के नाते अपना कार्यकाल जो दिखाए हैं, जब 2016 में जब चुनाव आया उसमें पंचायत समिति का सीट जो है पश्चिमी भाग क्षेत्र संख्या 04 से जनरल हुआ। जब जनरल हुआ तो सिरखिंडी पंचायत के तमाम जनता का आवाज़ आया कि एक बार अगर इस पंचायत को प्रतिनिधि के रूप में अजय कुमार जी को दिया जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि इनका कार्य कलाप सब लोग देखे हुए हैं और हम पहले भी अपना दमखम पे अपने गांव के पंचायत के विकास में तत्पर रहते हैं। ये बताइए अजय कुमार जी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने विकास का कार्य भी किया है, क्या इस बार संभावना है कि आप फिर उप प्रमुख बनेंगे? स्वतः अभी जनता को आशीर्वाद मिला तो आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं सिरखिंडी पंचायत के तमाम जनता से मैं आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ करके कि अगर हमें फिर से पंचायत समिति के रूप में अगर यहाँ से निर्वाचित हुए तो ये कन्फर्म है कि हम फिर से पुनः उप प्रमुख के रूप में हलसी प्रखंड के क्षेत्र में आएंगे। तो आप उप प्रमुख हैं और जब दोबारा उप प्रमुख बनेंगे तो कौन ऐसा कार्य है जो हलसी प्रखंड में नहीं हुआ है, उस कार्य को आप गति देंगे? सबसे पहला समस्या, अगर पंचायत समिति से जीत करके उप प्रमुख बनते हैं तो हमारा पंचायत समिति का जो आहूत बैठक होती है उसमें मेरा सबसे पहला अहम मुद्दा रहेगा कि पंचायत में ये जो है कि
सुदूर क्षेत्र है, देहाती क्षेत्र है, आज के डेट में पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है। हर गांव का नाली का व्यवस्था जो है थोड़ा सा चरमर है, इस पर जो कि हम लोग का पूरा निगाह रहेगा, क्योंकि पहले से जो है पहले से छोटा छोटा नाली 10 इंच और 5 इंच को दीवार लगा करके नाली छोटा सा बना दिया जाता था, क्योंकि उस समय कुआं और चापाकल और लट्ठा कुड़ी से पानी पीने का काम करते थे। लेकिन आज के डेट में जो है सभी घर में समरसेबुल का इस्तेमाल होता है, इसी वजह से जो है गांव में पानी मतलब बहुत सारा ज़्यादा जो है कि नाली से चढ़ करके ऊपर में चले आते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला अहम मुद्दा रहेगा, इस बार निर्वाचित होकर के जाएंगे तो पंचायत समिति का जो आहूत बैठक होता है उसमें हमारा मांग यही रहेगा कि प्रत्येक गांव में हमारा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे प्रखंड में यही हमारा मुद्दा रहेगा कि प्रत्येक गांव में नाली को सुंदरीकरण हो स्वतः, या तो फिर से नाली बनाने का काम करें, अन्य तो फिर एक तो और समस्या इसमें जोड़ा जाएगा क्या कि अगर नाली को साफ सफाई जिस तरह से नगर निगम में किया जाता है उस तरह से अगर हम लोग का देहाती क्षेत्र में नाली को साफ सफाई के लिए कुछ योजना चलता है तो उसमें भी हमारा मुद्दा रहेगा, सबसे हमारा यही पहला मांग रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए अजय कुमार का स्पष्ट मानना है कि अगर वो दोबारा पंचायत समिति के सदस्य बनते हैं और पंचायत समिति के सभी सदस्यगण सर्वसम्मति से उन्हें दोबारा एक बार फिर उप प्रमुख बनाने का काम करते हैं तो वे विकास पूरे हरसी प्रखंड में विकास का जाल बिछाएंगे, विकास की गंगा बहेगी। कैमरामैन इम्तियाज अंसारी के साथ सरफराज आलम, DTV भारत, हलसी, लखीसराय।